हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज है बैसाखी। बैसाखी को किन्नौर में बीज कहा जाता है, और जो बीज का मेला है किन्नौर के हर गांव में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बीज यानी कि बैसाखी के दिन किन्नौर के हर गांव में मंदिर में मेले का आयोजन होता है। तो इस दिन जो किन्नौर की महिलाएं हैं वो पुरुष है अपने ट्रेडिशन ड्रेस प्लस जो ट्रेडिशन ज्वेलरी जो मेन ज्वेलरी से वो है कांटे, बितरी और शंगलिंगों पहन के मंदिर जाते हैं और मंदिर में पूरे दिन नाचने गाने का आनंद लेते हैं। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी यंगपा विशु मेला, क्योंकि मैं जिन व्यूवर्स ने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा है तो उन लोगों को पता है कि मैं अपने ससुराल वापस आ गई हूँ। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी यंगपा विशु जो मेला है वो कैसे मनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यंगपा विशु मेले के बारे में थोड़ा बहुत जो मुझे पता है मैं बता देती हूँ। यंगपा विशु मेले में जो कड़गांव महेश्वर जी है वो यंगपा आते हैं। यंगपा में नागस देवता जी है। तो जब कड़गांव महेश्वर जी यंगपा मंदिर आएंगे तो यहाँ की जो महिलाएं हैं स्पेशली जो मेरे परिवार की है, मैंने मेरा सरनेम में वो है चौंकना, तो चौंकना फैमिली की महिलाएं हैं वो जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस और ट्रेडिशनल पूरी जो ब्राइडल ज्वेलरी पहन के वो पहनकर मंदिर जाएंगे और महेश्वर जी और नागस जी को धूप देंगे। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए मैं ले चलती हूँ सबसे पहले आपको मेरे हस्बैंड से मिलाने, क्योंकि वो जा रहे हैं कड़गांव मंदिर महेश्वर जी को यंगपा लेकर आने के लिए। उनकी भी ड्यूटी लगी है मंदिर में, तो वो भी बस अभी जस्ट तैयार हो रहे थे, वो निकलने वाले हैं। और उन्होंने पहना है आज जो उनकी यहाँ की ड्रेस है वो मेरे मायके साइड नहीं होता, बट यहाँ पे उनको एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन के जाना पड़ता है। बिना उस ड्रेस के उनको मंदिर में एंट्री भी नहीं मिलती। तो बस वो रेडी हो रहे हैं। मम्मी भी आज जाएंगे देवता जी को धूप देने, तो मम्मी भी अपने ट्रेडिशन ज्वेलरी और ट्रेडिशन ड्रेस पहनेंगे। तो जब वो ज्वेलरी मम्मी पहनेंगे, ट्रेडिशन ड्रेस पहनेंगे, तो मैं आपको बताऊँगी कि किस ट्रेडिशन ज्वेलरी को क्या बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं। जो मैं आपको ड्रेस के बारे में बता रही थी ना, वो ये ड्रेस है। ये है लॉन्ग कोट और नीचे से जीन पहन सकते हैं, शूज़ भी कुछ भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शूज़ चाहे चप्पल भी पहन के जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो ड्रेस है ये पर्टिकुलर ऐसे पहन के जाना पड़ता है और ये गच्छी भी बांधनी पड़ती है। बट हमने इनको बोला कि ये गच्छी इसके साथ अच्छी नहीं लग रही, तो दूसरी गच्छी ली उन्होंने और उसके बाद बस वो ये गाछी बांध रहे थे। उसके बाद मोनू ये टोपी पहन रहे थे। इस ड्रेस के साथ ये टोपी पहनना भी कंपल्सरी, विदाउट टोपी नहीं जा सकते। यहाँ पे अब मोनू बस रेडी हो गए थे और ये शॉल जो मोनू के हाथ में वो भी लेकर जाना पड़ेगा। और मोनू हमसे पूछ रहे थे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो हमने तो बोला कि हम अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसे लग रहे थे, करिए कि हम कैसे लग रहे हैं खासकर इस ड्रेस में। ओके बाय। तो मेरे हस्बैंड से तो आप मिल लिए, अब हम भी लेट हो रहे, तो अब मैं और जो मेरे हस्बैंड की कज़न है वो भी आई हुई है, तो हम दोनों मम्मी को बस फटाफट रेडी करने में रेडी अब फटाफट मम्मी को रेडी करते हैं। और मैं मम्मी को रेडी हम जब मम्मी को रेडी करेंगे तो मैं आपको ट्रेडिशन ज्वेलरी के बारे में भी बताऊँगी। और चलो मम्मी से कुछ बातें मैं मम्मी से भी पूछूँगी, तो चलिए। तो मम्मी को रेडी करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी ट्रेडिशन ज्वेलरी प्लस ये हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ हमारी ब्राइडल ज्वेलरी भी है। तो आज जो चौंकना फैमिली की महिलाएं वो पूरी ब्राइडल ज्वेलरी जो किन्नौर की ब्राइड होती है ना उसकी तरह तैयार होंगी। तो ये रही ज्वेलरी। तो यहाँ पे मम्मी अब दोड़ू पहन रहे थे, वो पहले ही बहुत लेट हो चुके थे। और ये जो है इसको बोलते हैं दोड़ू, और ये रेड कलर का है इसको बोलते हैं गाछी। और इसके बाद से पहनेंगे चोली एंड उसके बाद जो ब्राइडल ज्वेलरी होगी किन्नौर की मम्मी वो पहनेंगे। तो चलो जब मैं मम्मी को अब हम थोड़ी देर में मम्मी को ये सारी चीज़ें पहनाने वाले हैं और एट दी एंड जो पूरा ब्राइड रुक है मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड की कज़न मम्मी को रेडी करने में लग गए थे। सिर्फ चांदी का बना हुआ है, इसका नाम है चंद्रहार गुर शांगलिंग। ये शांगलिंग लगाती है, ये तो
चंदर हार नीचे टुम्मा। हाँ ये चंदर हार जो टुम्मा, और ये जो मम्मी को हम पहना रहे हैं वो है चांदी की जूटी। इसको फ्याइज बोलते हैं, फ्याइज हो इसको बोलते हैं, टोनी टोनी इसको क्या बोलते हैं, लुलु इकोरा इसको बोलते हैं, मुलु मुलु। हाँ तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको बोलते हैं खुलू कोंते, बट मम्मी ने ये पहनने से मना कर दिया। तो सारी ज्वेलरी पहनने के बाद जो ये टोपी है इसको हम जो पहले हमने गोल टोपी पहनी ना उसके ऊपर से पहनते हैं, और उसको गोल टोपी के साथ अच्छे से पिनअप करके पहनना पड़ता है ताकि ये गिरे ना। अगर हम इसको अच्छे से पिनअप नहीं करेंगे तो ये गिर जाएगा, ये सर पे नहीं टिकेगा। तो जब भी हम ट्रेडिशन पूरी ब्राइडल ज्वेलरी पहनेंगे तो विदाउट इस टोपी के जो पूरा ब्राइडल लुक है वो अनकम्प्लीट है। तो ये टोपी पहनना ज़रूरी है, और जब हमने मम्मी को ये टोपी पहना है ना तो ये हमसे सीधी नहीं लगी, टेढ़ी मेढ़ी। तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद हमने फाइनली मम्मी को ये टोपी पहनाई, और इस टोपी को बोलते पैथ्यपंग, और ये हमारी ब्राइडल शॉल, और इसको बोलते हैं दुरिस। तो इसमें मम्मी देवता जी को धूप लेकर जाएंगे, और ये रहा मम्मी का फाइनल लुक। मैंने कुछ पिक्स भी क्लिक किए थे बट लेटर ऑन मैंने देखा कि वो पिक्स ठीक से नहीं आई है। तो बस मैंने जो भी मेरे पास वीडियो थी मम्मी के फाइनल की वो डाल दी, एंड इसके बाद मम्मी चले गए मंदिर, और ये रास्ते की वीडियोस है जहाँ पे जो भी ये ज्वेलरी वाली ब्राइड थी वो देवता जी का वेट कर रही थी, एंड थोड़ी देर में जो ये सारी ब्राइड्स हैं ना वो आगे मंदिर से थोड़े से पीछे आएंगे और देवता जी को धूप देंगे।
इसके बाद सभी लोग मंदिर चले गए, क्योंकि वहाँ पे भी एक और बार जो ये ब्राइडल ज्वेलरी पहनी हुई महिलाएं हैं देवता जी को धूप देंगे और उसके बाद हवन होगा और इसके बाद एट द एंड होगा नाचना गाना और नाटी। देवता जी को धूप दे दिया है, हवन भी हो चुका है। जो हवन होता है ना वो गांव की सुख समृद्धि के लिए होता है और अब स्टार्ट हो रहा है कयंग। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल कम वेरी सून विद माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।